नमस्कार, स्वागत है आपका वन इंडिया हिंदी में। मैं हूं तलहा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार से अनुच्छेद 44 के जनादेश को लागू करने का आह्वान किया है, जिसमें ये कहा गया है कि राज्य नागरिकों के लिए भारत के पूरे क्षेत्र में एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने की कोशिश करेगा। अंतरधार्मिक विवाह से संबंधित 17 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सुनीत कुमार की पीठ ने कहा कि यूनियन सिविल कोड का मुद्दा हालांकि संवैधानिक है, जब भी सार्वजनिक डोमेन में उठाया या बहस किया जाता है तो राजनीतिक उलटफेर होता है। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने विवाह और परिवार कानून की बहुलता के मद्देनज़र समान नागरिक संहिता को लागू करने का आह्वान किया। न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने कहा कि ये समय की मांग है कि संसद एक एकल पारिवारिक संहिता के साथ अंतरधार्मिक जोड़ों को अपराधियों के रूप में शिकार होने से बचाने के लिए आए। अदालत ने कहा कि अब ये स्थिति आ गई है कि संसद के हस्तक्षेप करना चाहिए और इस बात की जांच करनी चाहिए कि क्या देश को विवाह और रजिस्ट्रेशन कानून की बहुलता की ज़रूरत है या विवाह के पक्षों को एकल पारिवारिक संहिता के छत्रछाया में लाया जाना चाहिए। पीठ ने आगे जोर देकर कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों के जरिए जताई गई आशंका और भय को देखते हुए ये स्वैच्छिक नहीं हो सकता। अदालत ने कहा कि UCC आज एक ज़रूरत है, इसे विशुद्ध रूप से स्वैच्छिक नहीं बनाया जा सकता है, जैसे कि 75 साल पहले B.R. अंबेडकर ने अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों के जरिए जताई गई आशंका और भय के मद्देनज़र देखा था। इस खबर में फ़िलहाल इतना ही। देश और दुनिया के ताज़ातरीन अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।